चार साल पहले मैं दुर्ग में था, छत्तीसगढ़ में, एक लड़की अपने बाप के पास, बाप के साजी, लड़की बोलते मॉडर्न, मेरे सामने पिताजी ने लड़की को बोल दिया, बहन गुरुदेव के सामने मेरे मन में तेरे लिए जो भी है ना सब कुछ बोलते बिना कुछ अंदर रखे। आ लड़की मेरे सामने अग्रेसिव बन के बोली, माना सभी है मेरा बाप है ना, मेरा बाप मुझे पसंद नहीं है। बाप बड़े दिल से सुनता, मेरी जिंदगी में ऐसा बाप भी मैंने पहली बार देखा, लड़की के मुझसे इतना सुनने के बाद भी ही वॉज द स्टेबल। बहन जो भी बोलना है बोल दे, बाप ने फिर से कहा और भी कुछ रखना ही, मेरे मन में कोई गंदी चीज बोल दे। मारा साहब आई एम 23, अरे मेरा बाप मेरे पे भरोसा नहीं था, मैं कॉलेज जाती हूँ मेरे पीछे आता है, क्या कर दिए क्या कर दिए, ये बाप है मेरा। महाराज साहब मैं, मेरा बाप मेरे लिए निकम्मा है, ये लड़की का शब्द चार साल के पहले। मैं धन्यवाद तो बाप को देता था कि जिस बाप ने इस बेटी के मुंह से ये शब्द निकलने के बाद भी बड़े प्रेम से चाव से सुना और बेटी को बोला, और भी जो भी तेरे मन में डाउट है सब क्लियर कर दे गुरु के सामने। और जब मैंने कहा महाराज साहब आपको भी कुछ कहना है, मैंने बोला बहन एक ही जवाब चाहता हूं, क्या है महाराज साहब? मैंने बोला कभी तूने केला खाया क्या? महाराज साहब ये प्रश्न में केला कहां से आया? मैं बोला मैं एक जवाब देना चाहता हूं इसलिए पूछना, केला खाया? हाँ बहुत बार, घर में करीबन रोज आता है, रोज खाती हूं। छिलका खाया कभी? केले का छिलका नहीं, खाने का थोड़ा प्रश्न, छोड़ दिया फेंक दिया, केले का छिलका मैं खाऊं? और मैंने इतना ही कहा कि बहन एक ही तेरे प्रश्न का जवाब, तेरा बाप निकम्मा है, आई एम एग्रीड विथ यू। बाप को कुछ गलत नहीं लिखा कि गुरुदेव मेरी बेटी के पक्ष में बैठ गए, मगर मैं बेटी के पक्ष में सोच के बैठा था। और फिर भी मैंने कहा कि बहन एक बात मैं बताना चाहता हूं, तेरा बाप तेरे लिए निकम्मा, आई एग्रीड विथ यू। जैसे केले पे छिलका निकम्मा है तू फेंक देती है खा करके, ऐसे ही तेरा बाप निकम्मा है। मगर फिर भी एक बात करना चाहता हूं, जब तक केले पे छिलका है तब तक केला सुरक्षित है, और जिस दिन छिलका निकल गया और केले को खा के खत्म कर गया। और मैंने बोला बहन ये तेरा बाप मान लिया केले का छिलका है, मगर वो जब तक तेरे पीछे तू सेफ है, जिस दिन तेरा बाप तेरे से निकल जाएगा और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरे सामने 23 साल की लड़की खड़ी होकर के बाप को चिपक करके रोने लगी, पिताजी मुझे माफ कर दो। 23 साल के बाद आप मेरे पीछे आ रहे थे, आज मुझे पता चला कि आप मेरा प्रोटेक्ट करने के लिए आए। मैंने यह कहा कि तुम निकम्मे, मैं आपको पूछना चाहता हूं कोई लक्ष्मण कोई छिलका है कि मेरे पास? मान लिया कि तुम केले हो, छिलका कहां है? मान लिया कि तुम सीता हो, लक्ष्मण कहां है?